व्लॉग। भाई ग्लव्स व्लव्स मैंने रख लिए हैं क्योंकि मनाली का जो मौसम है देख लो अभी पीछे क्या हो रखा है। और हमारे दो बच्चे यहाँ लड़ने में लगे हुए हैं भयंकर तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने शूमने आज, और हवा इतनी तेज़ चली हुई है ना भाई इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मज़े यार, ये देखो प्लूटो क्या कर रहा है, देखो प्लूटो प्लूटी प्लूटो ये देखो लबड़े आपस में बढ़िया। डेक्स्टर ने मस्त लताड़ा प्लूटो को इस टाइम। अब वापस मार खा के देखना, मार खा के वापस आएगा डेक्स्टर, किल प्लूटो। तो गाइस ये हम लोगों ने डेट वाला एरिया बनाया है, अगर आप आओगे ना तो आपके लिए मस्त डेट अरेंज कर देंगे। और ऊपर देखो स्नोफॉल हो रही है, ये देखो हेयर एंड वहाँ पे रोहतांग वाले एरिया में भी। तो अभी हम लोग मूव करें, इंद्रासन वाला पहाड़ तो पूरे छुप गया भाई। तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से फटाफट। ओए बाहर निकलो मेरे दोनों, बाहर निकल प्लूटो डेक्स्टर बाहर, भवित बाहर लेके चल प्लूटो कम, प्लूटो आ जाओ, ट्रिक कर दी, बंद करो बंद करो बंद करो, बाय। तो भाई भैया वेट कर रहे हैं, हमें डांट पड़ने वाली है, इतनी देर हो गई है। चलो चलो फटाफट, मौसम खराब है, स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। तो भाई आज तो मौसम का अपडेट बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है, और अगर आज हमने स्नोफॉल विटनेस कर ली ना तो मजा ही आ जाएगा नेक्स्ट लेवल। सिमसा में हो रही है, हाँ वही तो कह रहा हूँ दीदी, लेट्स भैया चलते ही हैं, अब नहीं रुकेंगे, नवीन भाई को बोलेंगे वही पहुंचो डायरेक्ट। गाइस ऑफ रोडिंग हो चुकी है पूरी तरीके से, हिल हिल के पेट किडनी सब अपनी अपनी जगह आ गया। और पता है गाड़ी के शीशे में थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स आने लग गए हैं, इट मीन्स दैट स्नोफॉल इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर। तो हम फटाफट पहुंचेंगे पहले, फिर आपको दिखाएंगे। तो गाइस उस साइड सिमसा साइड भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ रही है, ओह माय गॉड। और हम लोग अभी सोलांग से थोड़ा सा तो पहले ही हैं। तो गाइस अभी हम सोलांग से कोई 5 से 10 मिनट पहले ही हैं, ब्रिज पे पहुंच गए हैं पलजान के जस्ट आगे वाले, और वी आर वेटिंग कि हमें स्नो फ्लो फ्लेक्स हमारी गाड़ी के ऊपर गिरने लगे, विच इज़ स्टिल नॉट हैपनिंग, बट 100% ऊपर तो स्नोफॉल पक्का से हो रही है। अब देखते हैं कि सोलांग तक जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच। और देखो यहाँ की मेरी चोट ठीक हो गई, पिछले व्लॉग में दिखा रहा था ना मैं, मेरी चोट ठीक हो गई है। पीछे पुराने वाले व्लॉग्स भी देख लो जाके यार, बहुत अच्छे हैं सच में। अभी हम लोग जस्ट 2 मोड़ पहले, मतलब सोलांग से 2-3 मोड़ पहुँच जाएंगे फटाफट। द स्नोफॉल हैज स्टार्टेड, सोलांग में स्नोफॉल हो रही है लिटरली राइट नाउ, दिस इज एक्चुअली स्नोफॉल हैपनिंग, सी वाओ। देखो जिप्सी दौड़ाते हुए जा रहे हैं हमारे भाई, हिमालयन ये थी, अरे तो गाइस हम लोग पहुंच गए सोलांग, और भाई एक्चुअली में स्नोफॉल हो रही है, पूरा वाइट होने लग गया है धीरे धीरे, ये देखो देख रहे हो सारा स्नोफॉल हो रहा है। ओ जबरदस्त, मज़ा आ गया यार, सीरियसली मज़ा आ गया, वाह। सब लोग खड़े हैं बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं, देखो डांस कर रहे हैं लोग, क्योंकि स्नोफॉल हो गया इसलिए डांस कर रहे हैं गाड़ी की लाइट लगा के, ये देखो। अरे गाइज एक्चुअली स्नोफॉल हो रही है सोलांग में, पूरी फुल स्नोफॉल, मतलब प्रॉपर स्नोफॉल, और वहाँ लोग देखो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं पागल की तरह, ये देखो इट इज वेरी नाइस। तो गाइज लिटरली स्नोफॉल हो रहा है सोलांग में, एंड आई मीन द स्नो राइट नाउ, देखो सारा स्नोफॉल हो रहा है। भाई मज़ा ही आ गया, लोग तो एक्चुअली गाना लगा के रोड पे डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और सोलांग का इस टाइम का जो व्यू है ना क्रेजी ही है भाई, क्रेजी बिल्कुल। बहुत दिनों बाद मैंने भी स्नोफॉल विटनेस किया है, पहले मतलब बड़े दिनों से स्नोफॉल नहीं विटनेस कर पा रहा था मैं भी, बिकॉज हो ही नहीं रही थी तो कैसे विटनेस करते, बट राइट नाउ होने लग गई है एंड भाई इट इज़ क्रेजी। भाई इन भाई लोगों ने गाना लगाया है और गाड़ी के ऊपर चढ़ चढ़ के डांस कर रहे हैं, इट इज़ सो नाइस भाई, पूरा वाइट हो गया है सोलांग, ये देखो। भाई पूरी स्नोफॉल हो रही है, जैकेट में भी स्नोफॉल मुझे गिरने लग गई है, एंड इट इज़ लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। मतलब लाइव स्नोफॉल देखना भाई वो अलग ही लेवल का क्रेज़ होता है, अलग ही लेवल की ब्यूटी होती है, और धीरे धीरे पूरा सोलांग वाइट हो जाएगा, ये देखो।
गाइस ये देखो, ये डॉगी भी स्नो में भर रहा है, क्यूट क्यूट है। ये देखो कितनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होने लग गई है अब, मतलब ज़बरदस्त मज़ा ही आ गया। हेलो हेलो डॉगी। गाइस हम लोग वापस निकल गए हैं सोलांग से और थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, भुट्टा लेने की प्लानिंग हो गई है। भाई भाई भुट्टा वाला जनी बर्फ में खड़ा कैसे है भाई? सेल्स सेल्स एक हो जाएगा, मार्केटिंग दे दो, तैयार वाला दे दो। कितना देना? दो तीन भाई, बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है इस टाइम पे, खा लेंगे थोड़ा बहुत। भैया की देखो जैकेट में पूरे स्नो स्नो, दो दे दो, दो बस। भैया से हम लोगों ने भुट्टा ले रहे हैं फटाफट और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बारह पता है मेरे बाल पूरे गीले हो चुके होंगे इस टाइम, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। हाँ भाई बाल पूरे हो चुके हैं गीले, क्योंकि स्नो पड़ी हुई थी और वो अब हो जाएगी क्या कहते हैं मतलब पिघल के। सिर्फ नमक लगाना। तो गाइस थोड़े से ब्रेक लेके हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे बर्गर और बर्गर खाने, सिर्फ बर्गर खाने और मोमोज वगैरह जो भी मिल जाएगा मतलब वो खाने। और यहाँ पे तो बारिश हो रही है मनाली रात में, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, इतना खूबसूरत लाइटिंग है रोड पे, कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, ये मज़ा ही आ गया। अभी नवीन भाई आने वाले हैं, हम उसी कम्युनिटी का वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे गुलाबा वाली साइड जहाँ पे गुलाबा में और भी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, और वापस उसके बाद वापस सोलांग वाली साइड जाएंगे। तो भाई अभी रात में तो पूरी गेड़ी चलने वाली है, क्या पता ये ब्लॉग दो पार्ट्स में हो, तो आप इन्जॉय ज़रूर करना। तो गाइस अभी हम गुलाबा वाली सड़क पे आ गए, यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है और नवीन भाई के साथ शिफ्ट हो गए हम अभिषेक भाई से, अभी वापस उनकी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। बट अभी जो स्नोफॉल के हालात है ना भाई, तो गाइस दिस इज राइट नाउ गुलाबा वाली सड़क के हाल, एंड हम लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि पता है ज़्यादा स्नोफॉल होगी तो ब्लैक आइस की वजह से गाड़ी स्लिप होने के बहुत चांसेस होते हैं। और भाई पूरा सफ़ेद हो गया, देख रहे हो पूरा ही सफ़ेद हो गया है, मतलब मज़ा ही आ गया नेक्स्ट लेवल। कैसा लगा बॉयज? फुल पावर 24 आवर, फुल पावर, ट्वाइलाइट नो शावर भाई, पर नेक्स्ट ही लेवल लग रहा है। और ये सबसे सबसे अच्छी बात ये है कि अभी ना राइट नाउ वो नहीं है क्या कहते हैं मतलब ब्लैक आइस नहीं जमी, सॉफ्ट आइस है, तो गाड़ी चल जाएगी बड़े मजे से हमारी भी। ऐसी स्नोफॉल हो रही थी रवीन भाई, जिस दिन हम लोग आए ना एक घंटे 50 मिनट में कार में, ऐसी स्नोफॉल थी। तो गाइस हम लोग सोलांग पहुंच गए वापस, और सोलांग में तो भाई पूरा सफेद ही हो गया, मतलब चादर ही बिछ गई है प्रॉपर तरीके से, ये देखो बाइक के ऊपर। हाँ देख लिया मैंने, दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां सकते हैं। गाड़ी कौन सी है? पोर्श जैसी लग रही थी देखो ये देखो, मैं सनरूफ के ऊपर भी हमारे बर्फ ही बर्फ हो गई और पूरा नीचे बर्फ ही बर्फ, फुल भाई फुल। तो गाइस यहाँ पे देखो कितनी बर्फ पड़ रही है, ये है सोलांग का जो ग्राउंड है ना वो ये है रात में, और यहाँ पे और कोई नहीं है भाई, तुम्हारा भाई अकेले है। तो ये वाला अपडेट तो भाई यही दे सकता है नंगलवासी की। तो गाइस जिप्सी कितनी धीरे चल रही है और हम भी उसी हिसाब से चले हुए हैं धीरे धीरे भाई, क्योंकि अगर ब्रेक मार दिए ना अभी तो गेड़े गेड़े में सीधे नीचे कुल्लू पहुंच जाना एक ही झटके में। ये देखो जिप्सी भी धीरे चली, पर अब जो स्नोफॉल हो रही है ना गाइस वो नेक्स्ट लेवल ही हो रही है, मतलब असीम पावर पे, बहुत ही भयंकर भाई, मजा आ गया देख के। अब तो मनाली आना बनता है भाई सभी का, आ जाओ मनाली, शेयर कर दो वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, देख रहे हो व्यू, ये व्यू दिखाने का भाई मेहनत लगती है, रिस्क है रिस्क। और तो पेड़ों में देखो क्या खूबसूरत सिस्टम खराब बाइक का, सिस्टम कर रखे सिस्टम में, ये एक हाथ से चला रहे एक हाथ से ब्लॉक, एक हाथ से भाई चला रहा हूँ मजाक नहीं, एक हाथ से ऐसी बर्फ में गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से ब्लॉक चल रहा है। ये देखो भाई भाई साहब मजा ही आ गया भाई, बड़े दिनों बाद मैंने स्नोफॉल ऐसे देखी है कि मतलब खुली स्नोफॉल देखी और विटनेस की है, आप लोग भी कर सकते हो, आ जाओ मनाली, ये मिल गया मजा आ जाएगा। तो गाइस अभी ना यहाँ पे मनाली भी स्नोफॉल होने लग गई, हम सोलांग से वापस आने लगे, अब जा रहे हैं अपने रूम, क्योंकि अगर ज्यादा स्नोफॉल होगी तो भाई रात में गाड़ी में ही बितानी पड़ जाएगी जिंदगी। तो इस जिंदगी को बचाने के लिए हम भी ऐसे चले हुए हैं, और बाकी लोग भाई ऊपर कौन जा रहा है, ये कौन फाइटर बंदा है, ऑल्टो में चला है भाई, लॉर्ड। अरे देखो मनाली नीचे पहुंच गए ऑलमोस्ट हाईलैंड पार्क होटल के पास, एंड यहाँ से हम लोग 10-15 मिनट में अब होटल पहुंच जाएंगे अपने। बट मनाली भी स्नोफॉल हो रही है फाइनली, सोलांग नहीं मनाली भी हो रही है, ठीक है? जिसको भी कंफ्यूजन है सोलांग करते हो भाई, मनाली भी हो रही है। जितने कमेंट्स है ना, कमेंट्स करने से पहले बता दे रहा हूँ, ब्लॉग अच्छे से देख लो बस। मिलते हैं नीचे जाके अब माल रोड पे। आई होप गाइस आपको ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय।